हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल सिविल साइड विजिट में। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने कहा था कि मैं एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम चेक करेंगे कि लोड, मतलब वो कॉलम लोड वेयर कर पाएगा कि नहीं, उसी पे मैं आज टॉपिक लेके आया हूँ। तीन वीडियो आएंगी हमारी इसी टॉपिक पे। मतलब एक तो मैं आज स्टैंडर्ड वे से बताऊंगा कि कैसे हम चेक करते हैं, दूसरा हो गया थंब रूल से बताऊंगा कि हर मतलब ग्रेड के लिए, हर स्टील के लिए कि कैसे कैसे अलग आप डायरेक्टली निकाल सकते हो। ठीक है, तो आज का हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया है जो मैंने थोड़े दिन पहले कॉलम का, मतलब आपको वीडियो दिखाया था, रिइंफोर्समेंट चेक किया था जिसका, तो उसी कॉलम के लिए कि उस पर हमें फैक्टराइज्ड लोड दिया है कि उस पर कितना लोड आने वाला है, तो हम चेक करेंगे कि वो कॉलम लोड बेयर कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक हम फ्रेंड्स। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट करो, जो चीज़ आपको नहीं पता चलती है कमेंट करो, मैं उसको उसका सब हल करूंगा आपका। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। छोटा सा टॉपिक है, इसका फर्स्ट पार्ट है, दो पार्ट अभी आने वाले हैं। तो ये सामने देख रहे हो हमारे, ये मतलब एक राफ्ट है, उसमें चार कॉलम थे, जैसे उधर भी मैंने वीडियो में लास्ट वीडियो में दिखाया था। तो इसी पे मैं चेक करूंगा कि कैसे लोड इफेक्ट करता है। तो सबसे पहले उसने दिया हुआ है, मतलब ये हमारा कितना है फैक्टराइज लोड, कितना आने वाला है उस पर, 246 किलो न्यूटन उस पर लोड आने वाला है। और तीन चार चीज़ें आपको, मतलब मैंने इसको अच्छे से लिख के बताया हुआ है, वहाँ आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आज का टॉपिक हमारा लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ कॉलम, मतलब एक्सियल जो उस पर लोड पड़ने वाला है वो कॉलम उसको वेयर कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, उसने जो दिया हुआ है मतलब उस पर लोड आने वाला है 246 kg, ये उसमें ऊपर क्या जो भी है टैंक आने वाले हैं, इधर जो फाउंडेशन हमारी टैंक है, वाटर टैंक है, तो उस पर कितना लोड आने वाला है, 246 किलो न्यूटन। और जो हमें ग्रेड उसने बोला है, ग्रेड कौन सा यूज़ करना है, M30 ग्रेड आपको यूज़ करना है उसमें कंक्रीट का, और जो स्टील यूज़ हो रहा है कौन सा हो रहा है, Fe 500। ये दो चीज़ें आपको दी हुई हैं। और कवर कौन सा यूज़ करना है, 50 mm का। तो इधर आ जाओ, इधर सामने दिया है कि हमारा जो कॉलम है उसकी डेविएशन कितनी है, 570/500 की। तो उसमें स्टील बार कितने यूज हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मतलब टोटल हमारे कितने हैं उसमें, 12 स्टील वार है लॉन्गिट्यूडनल। ये आपको मेन चीज़ें चाहिए जो आपको चेक करने के लिए। और फार्मूला क्या है, आपने ये सब डिग्री में भी पढ़ा होगा लेकिन तब पास करने के चक्कर में इतने ध्यान से नहीं देखा होगा। तो अभी क्या है फार्मूला, क्या है हमारा, 0.4 FCK AC, ये बताता हूँ मैं क्या क्या है, 0.67 FY AC, ये ASC है हमारा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये आपका कांस्टेंट वैल्यू है, एफसी के आपका आ गया, मतलब जो ग्रेड आप यूज़ कर रहे हो कंक्रीट का वो आ गया, एसी आ गया आपका उसका एरिया, मतलब कॉलम का एरिया, और 6-7 आपका कांस्टेंट आ गया, FY आ गया आपका स्टील जो आपका मतलब ग्रेड यूज़ कर रहे हो, और ASC आ गया आपका एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडनल बार, मतलब जो स्टील यूज़ कर रहे हो उसका एरिया। तो सबसे पहले निकालना कैसे कैसे, हमने 0.4 अब हमारा कांस्टेंट आ गया, 30 हमारा ये आ गया, और अभी एरिया कैसे निकालना है उसका, मतलब कवर माइनस कर लेना है जो भी है उसका ग्रॉस सेक्शनल एरिया में से माइनस कर लेना है। तो कितना हमारा 570 है, मतलब 60 × 500 − 60 ये आ गया। फिर क्या हमारे कांस्टेंट वैल्यू है, FY हमारा कितना है, 500 है, और जो हमारा एरिया कैसे निकालना है हमने, मैं निकाल दूँ, लंबा है तो वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, मैं बता देता हूँ। ये फार्मूला हमारा 3.414 × रेडियस कितने, मतलब 16 mm का हम वार यहाँ यूज़ कर रहे हैं, 16 डाया का, तो 8 हो जाएगा हमारा, 8² × 12, इसको जो करोगे आप मल्टीप्लाई प्लस तो आपको आएगा 2413। ठीक है, तो ये मिल गया आपको ASC, मतलब एरिया मिल गया उसका। तो सबको प्लस माइनस करके देखो, 0.4 इसको करके ये आया, इसको करके ये आया, कैलकुलेशन आप खुद से कर लो, बाकी प्रोसीजर हमारा यही रहता है, 0.6 500 2 4, ये प्लस माइनस करके हमारा टोटल कितना आया, 3501157, उसको किलो न्यूटन में कन्वर्ट कर लेंगे तो हमारा आया 3501 किलो न्यूटन उस पर आने वाला है, मतलब वो लोड बेयर कर सकता है। उसमें सेफ्टी फैक्टर भी लेते हैं, इसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, ये हमने, मैंने यहाँ सेफ्टी फैक्टर नहीं लिया, 4 से डिवाइड करोगे जो वैल्यू आएगी आपकी, मतलब 30 है तो लगभग 800 कुछ भी, मतलब 800-900 आएगी, तो इतना वो बियर कर सकता है। और पड़ेगा उस पर लोड कितना, 246, मतलब ये कॉलम हमारा फेल नहीं होगा जब उसमें हम इन फ्यूचर काम करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज पार्ट वन था हमारा, नेक्स्ट वीडियो आएगी थंब रूल रहेगा, उससे आप कोई भी ग्रेड होगा कंक्रीट का, कोई भी स्टील होगा, मतलब 2-3 मिनट में उसको निकालोगे कि कितना लोड आपका कॉलम फेल होगा या नहीं होगा। नेक्स्ट मैं बताऊंगा आपको कि कोई लोड है उसमें
कंप्रेशन मतलब वो बकल करेगा कि नहीं, मतलब बीच में से टूट जाएगा कि नहीं, और दूसरा हमारा कंप्रेशन में उसका कैसा है, ये तीन दो वीडियो और आने वाली हैं इस पर, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपको अगर जेई आरआरबी किसी की भी तैयारी कर रहे हो उसमें क्वेश्चन आ सकता है, और ऐसे भी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो फ्रेंड्स चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, थैंक यू।